गाइस एक बार फिर स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रिची रिकी फैमिली में। तो दोस्तों आज है मकर संक्रांति 14 तारीख, तो आज घर में दाल बाटी बनाई जा रही है, राजस्थानी दाल बाटी। आपको दिखाता हूँ मैं कैसे बनती है दाल बाटी। राजस्थान की दाल बाटी बहुत फेमस है राजस्थान में, और हमारे घर में जो बनने जा रही है आग के अंदर, आग जला के उसके अंदर रख के, और दाल कैसे बनेगी, दाल कौन सी बनेगी, क्या बनेगी, कैसे बनेगी, सब कुछ बताने वाला हूँ मैं आपको इस ब्लॉग के अंदर। देखते जाइए और जुड़े रहिए रिची रिकी फैमिली से। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पे फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता बस। ये चूरमा, चूरमा बाजरे के आटे से हुए, और कुछ भी है इसमें? नहीं कुछ नहीं, बाद में डलेगा, जो डलेगा। अच्छा अच्छा मेरे बाटी ले जा, ये बस होगा काम है। बाटी चूरमा बनाने के लिए पहले उपले की आग करके बाजरे के आटे के गोले और गेहूं के आटे के गोले बना के आग के ऊपर रखा जाता है, और उन्हें जब तक रखा जाता है जब तक कि वो ठीक ढंग से पक ना जाए। अब ये तैयार हो गए हमारे, और धीरे धीरे हम बाटी डाल रहे हैं। पहले तो हमारे बाजरे के तो डल चुके थे, अब ये सब डालने वाले हैं हम। तो देखते जाइए दोस्तों और किस तरह दाल बाटी चूरमा तैयार होता है। जुड़े रहो रिची रिकी फैमिली से। ये आटे के गोले बनाए जा रहे हैं, गोले बना बना के आग पे रखे जा रहे हैं, फिर इनको अगर अभी इसी आग के अंदर कवर किया जाएगा, और इसको कम से कम आधा घंटा लगेगा तैयार होने में, उसके बाद ये प्रिपेयर होगा। सारे तो देखने आएगी। तो गाइस अब इसके अंदर बाटी को कवर करके रख दिया, इसके अंदर ये सेक रही है, ये अभी पक जाएगी अच्छी तरह से। ये देखिए उपलो से बनी हुई तैयार रही है, अब इसके ये रेडी होने के लिए भी टाइम लगेगा इसमें। अब ये सेक रही है इसके अंदर, और ये निकू है बाटी खाने के लिए तैयार है। मैं ट्यूशन से आ गया। ट्यूशन से आया, थक क्यों गया तू? इतनी सीढ़ियां थी, ज्यादा सीढ़ियां थी। तो भाई दाल बाटी खानी है तो कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी तेरे को। अब ये आधा घंटे में रेडी हो जाएगी। है मोट की दाल, अब ये मोट की दाल को पीसी जा रही है सिलवट्टे पे। ये देखिए ये मोट की दाल है, सर्दियों में ये बहुत बढ़िया रहती है, शरीर के लिए बहुत फायदेमंद रहती है। अब इसको पीसा जाएगा, पीसने के बाद फिर घर के मसाले तैयार करके फिर दाल बढ़िया तरीके से दाल बनाई जाएगी। ये दाल के लिए मसाला तैयार किया जा रहा है, इसके अंदर धनिया, लाल मिर्ची, हल्दी और साबुत मसाले सब पड़े हुए हैं, सभी देसी स्टाइल में तैयार होंगे तिलबट्टे में पीस के। ब्राउन पड़ने तक करते ना, बिल्कुल लाल। लाल होने तक, बिल्कुल लाल हो गया, तो सुनहरी कलर हो गया। कोई सब्जी बनाओ सुनहरी कलर, और तब तक मतलब सब्जी नहीं डाला जब तक तेल अलग नहीं हो जाए मसाले से, तब तक सब्जी नहीं डालनी चाहिए। ना तो थोड़ा ना
अब गाइस हमारी जो बाटी और बाजरे का जो चूरमा है वो सिक्के तैयार हो गया है। अब इनको हम एक एक करके निकालेंगे और कपड़े से साफ करेंगे अच्छी तरह से, ताकि इनमें थोड़ा भी डस्ट ना रह जाए। काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है इसको साफ़ करने के लिए। अब एक एक वन बाय वन पीस निकाला जाएगा और साफ़ कर करके उसे कपड़े से रखा जाएगा। देखते जाइए, अभी चल रही है सफाई धीरे धीरे। ये इसमें अंदर तक हमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है इसको साफ़ करने के लिए। काफ़ी एयर मारने के बाद अभी एक एक करके वन बाय वन साफ़ की जा रही है, और साथ साथ बाजरे को भी ऐसे ही निकाला जा रहा है। बाजरे के जो गोले होते हैं वो भी अभी निकालेंगे हम, उनको भी इस तरह। ये देखिए बाटी थोड़ी ज़्यादा सिक गई है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ये भी बहुत टेस्टी लगती है। ये देखो गाइस, अब जो हमने बाजरे का जो गोले बनाए थे उनको अमाम दस्ते में कूटा जा रहा है, और इसे जब तक कूटा जाएगा जब तक ये बारीक बारीक ना हो जाए, छोटे छोटे कण ना हो जाए इसके, ताकि खाने में टेस्टी लगे और ज़्यादा मोटे ना बने। अगर ज़्यादा मोटे रहेंगे तो इनके गोले नहीं बन पाएंगे। अब इनको कूटा जाएगा, जब तक कूटा जाएगा जब तक ये बहुत बारीक ना हो जाए। अभी कूटे जा रहा है इसको अच्छी तरह से, और उधर साइड में बाटी साफ की जा रही है एक एक करके। और ये देखिए, ये बाजरे का गोला निकाला है। अब ये वन बाय वन जितने भी पीस है सबको इसी तरह कूटा जाएगा, और जब तक कूटा जाएगा जब तक ये बारीक ना हो जाए बिल्कुल। और बिल्कुल बारीक होने के बाद फिर आगे की प्रक्रिया स्टार्ट होगी कि आगे इसके अंदर क्या क्या डलेगा और कैसे डलेगा। तो दोस्तों देखते जाइए और वीडियो को इंजॉय कीजिए। कितनी मेहनत लग रही है इसको बनाने में, तो सोचो खाने में कितना टेस्ट आएगा। बहुत टेस्ट आने वाला है, बहुत ज़्यादा टेस्ट आने वाला है। ये देखिए, अब हम इसे क्या कर रहे हैं, जो छलनी होती है हमारे घर में उससे अभी इसे छानेंगे। जो बारीक कण है वो नीचे निकल जाएंगे और जो मोटे कण है वो ऊपर रहेंगे, और दोबारा अंदर डाला जाएगा, फिर दोबारा कूटा जाएगा। अब ये देखिए कि हमारे फूफा जी हैं, गाँव से आए हैं, ये हमारी बड़ी हेल्प कर रहे हैं। आज मकर संक्रांति पूरी सेलिब्रेट हो रही है, पूरा फुल मज़ा आ रहा है यहाँ पे। और देखो घर के अंदर कैसे तैयार की जा रही है, दिल्ली के घर के अंदर दाल बाटी। हालांकि ये सब ओपन एरिया में होता है गांव में, तो जैसे गांव में काफ़ी सारे उपले इकट्ठे करके एक जगह लगा के तब जाके इसे आग जला के तब जाके रखा जाता है। बट यहाँ दिल्ली है, दिल्ली के अंदर ये सब ओपन एरिया में नहीं हो पाएगा। तो हमने क्या किया है, एक लोहे की परात ली, बड़ी परात लोहे की परात ली, उसके अंदर उपले जलाए, उसमें हमने आग इकट्ठी करी, उसके अंदर हमने रखे, तब जाके हमारा ये काम पूरा हो पाया। अब ये देखिए, अब ये छाने जा रहा है, इसको बिल्कुल बारीक करके निकाल लेंगे और इसे एक बारीक फॉर्म में लेके आ जाएंगे। अब हमारी बाटी रेडी हो गई है। अब बाटी को खोल खोल के देसी घी में, प्योर देसी घी के अंदर मेल्ट करेंगे इसको, काफ़ी टाइम तक डुबोए रखेंगे ताकि अंदर तक इसके घी चले जाए। अंदर तक घी जाने के बाद अलग अलग इनको रखा जाएगा ताकि ये, और इसको खाने का मज़ा दोस्तों गर्मा गर्म खाने का मज़ा ही कुछ और है। अभी देखिए, अभी बड़ी परात में रखा जाएगा। अभी धीरे धीरे जैसे जैसे गर्म गर्म आती जाएगी, वहाँ साफ हो रही है, यहाँ मेल्ट किया जा रहा है घी के अंदर, देसी घी के अंदर, प्योर देसी घी के अंदर। हमारे यहाँ गाँव से ही घी आता है, देसी घी यहाँ का नहीं लेते हम, मोस्टली घी गाँव का ही लेते हैं। और देसी आदमी है, देसी हरियाणा राजस्थानी आदमी है। ये देखिए, अब इसको पूरी को इकट्ठा करके इसको कवर कर दिया जाएगा ताकि ये गर्म रहे। और दाल हमारी बनी चुकी है, बाटी हमारी प्रोसेसिंग में है, बाटी भी कंप्लीट हो गई है, करेंगे थोड़ी देर में। अब दोस्तों, अब हम जो बाजरे को हमने कूटा है, इसके बारीक बनाया हमने, उसके अंदर जो मीठे डलेगा वो हम तैयार कर रहे हैं। अब इसके अंदर हम डालेंगे काजू, पिस्ता, किशमिश, बादाम, इन सबको इस अमाम दस्ते में कूटा जाएगा, अच्छी तरह कूटा जाएगा, बारीक 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 दाने बन जाए इसके। जब ये अच्छी तरह कूट जाएगा तो इनको सारे को सबको मिला लिया जाएगा अच्छी तरह से। अभी देखिए, हमारे साहिल भाई साहब लगे पड़े हैं कूटने, इनको अलग ड्यूटी मिली है कूटने की, और रसोई में अपना काम चल ही रहा है अलग। ये देखिए ये कितना बारीक कर देगा, ज़्यादा बारीक भी नहीं करना है इसे, उतने हिसाब से रखना है इतना कि हमारे मुँह में जमी और अच्छे से मिल्ट हो जाए। अब ये जब तक, अब दोस्तों अब हम एक कढ़ाई के अंदर गुड़ को मिल्ट करेंगे, गुड़ को पानी की शेप देंगे, इसके अंदर हम दूध डालेंगे और गर्म करेंगे ताकि ये लिक्विड फॉर्म में आ सके और ये चिपके ना कढ़ाई से। अब दोस्तों ये धीरे धीरे ये प्रोसेसिंग में चल रहा है, अब इसे गर्म होने तक, बिल्कुल पिघलने तक हम इसको इसी पे रखेंगे ताकि ये अच्छी इस तरह से पिघल जाए और हमने जो
सामग्री तैयार की है उसके अंदर हम इजीली इसको मिला सके। अब ये धीरे धीरे पिघलना स्टार्ट हो गया है, अभी देखिए धीरे धीरे प्रोसेस पे है ये आ रहा है। अभी जैसे जैसे होगा 10-5 मिनट लेगा ये और तैयार हो जाएगा। इसके बाद फिर हम इसको पूरा का पूरा जो हमने मिश्रण तैयार किया है उसमें डाल देंगे। अब ये देखिए पूरा पिघल के तैयार हो गया है, अभी हमारा गर्म है। अब इसी तरह इसको थोड़ी देर इसको रखेंगे, सिर्फ 2-3 मिनट और ये सीधा जाके मेल्ट कर देंगे हम इसको। अब दोस्तों हमारा बाजरा पिस के तैयार हो गया है। अब हमने इसके अंदर किशमिश डाल दी है और जो मटेरियल हमने तैयार किया था, बादाम, किशमिश, पिस्ता, काजू और जो नारियल होता है इन सबको मिला के वो सारा इसके अंदर मिला देंगे, इसके अंदर मेल्ट कर लेंगे। अब ये पूरा मेल्ट हो गया है, इसके अंदर अच्छी तरह से मिला लेंगे इसको। मिलाने के बाद आगे देखिए कितना बढ़िया लग रहा है, कितना खूबसूरत लग रहा है, इसकी खुशबू बहुत प्यारी आ रही है इस टाइम। अब इसके अंदर अब हम डालने वाले हैं जो हमने गुड़ का मिश्रण बनाया था, पेस्ट बनाया था, जो लिक्विड फॉर्म में हम गुड़ को लाए थे। अभी देखिए डाला जा रहा है इसके अंदर, ये डाला हमने इसको थोड़ा थोड़ा करके। ये तुरंत ही डालना चाहिए, अगर नहीं तो ये धीरे दोबारा वैसे ही फॉर्म में, सॉफ्ट की जगह हार्ड फॉर्म में हो जाएगा, ये दोबारा टाइट हो जाएगा ये। अभी देखिए डाल दिया, अभी इसको पूरे को मिक्स किया जाएगा इसी के अंदर। पूरा अच्छी तरह से इसको ले लेंगे हम इसे, इसके अंदर डाल लिया हमने अच्छी तरह से साफ करके पूरे कढ़ाई को। अब इसको इसी पलटे से धीरे धीरे करके इसको मिल्ट किया जाएगा। पहले हमने इसको अच्छी तरह से डाल लिया इसके अंदर, अभी देखिए इसको कवर किया जाएगा। अब इसको कवर किया जा रहा है, ये देखिए पूरा कवर कर दिया गया है। अब इसको पूरा पेस्ट को पूरा मिला लेंगे इसको अच्छी तरह, मिलाया जा रहा है। फिर इसको धीरे धीरे अपने नॉर्मल शेप में ले लेंगे, इसको गोले बना बना के रख लेंगे और ये हो गया हमारा चूरमा तैयार। अभी तैयारी और होगी, अब इसको गोले बना जाएंगे धीरे धीरे, देखते जाइए। अभी तो पहले ये मिश्रण ही बन रहा है इसका, ये मिश्रण तैयार हो रहा है इसका, देखते जाइए। बिल्कुल अपना गांव के हिसाब से बनाना है, देसी का। मेहनत बहुत है इसमें, लेकिन 2.5-3 घंटे हुए फिर वैसे लगे थे 8 बजे तब इसके गोले बना बना रहे खराब थोड़ी होते, महीने भर भी रख दो, इतने देर कर रख लो, क्या खराब होता है। पहले ये तो चेक कर ले। आखिरकार कड़ी मेहनत के बाद जो राजस्थानी खाना है, राजस्थानी का फेमस खाना है, वो रेडी हो चुका है, दाल बाटी चूरमा। आपने देखा वीडियो में कितनी मेहनत लगी इसको बनने में, तो चलो यार अब टेस्ट भी करते हैं और बताते हैं हमको कैसा लगा ये सब। चलो बेटा स्टार्ट हो जाओ। ये मेरे मुंह में तो पानी आ गया, पहले पानी आ गया इसको, पहले ही पानी आ रहा है। चलो भाई स्टार्ट हो जाओ, खाके देखते हैं कैसा है ये। बहुत बढ़िया बनने बनाए और बड़ी मेहनत से बनाए। Awesome. दाल बाटी का टेस्ट ऑसम, खाते रहोगे। एक्सीलेंट एक्सीलेंट दे दिया इन्होंने सबने, बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत टेस्टी है। तो गाइस वीडियो कैसी लगी बताना, और राजस्थानी खाना कैसा लगा ये बताना। चूरमा भी चेक कर लेते हैं।
मीठे में बहुत बहुत टेस्ट है, बहुत टेस्ट है, मजा आ गया। तो गाइस बाय, वीडियो को लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब कीजिए। बाय गाइस, मजा आया। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। वाह 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 व